झूठे गवाह यौम क़यामत उनकी कैफियत क्या होगी। हदीस पाक के अंदर आता है कि जो लोग दुनिया के अंदर झूठी गवाहियां देते हैं, बात बात पे गवाह बन जाते हैं, सिर्फ अपनी दोस्ती की लाज रखने के लिए, अपनी बिरादरी के मामलात को हल करने के लिए अपने सिर्फ यारानों में जाके झूठी गवाही दे देते हैं, किसी काम को देखा नहीं होता, वहाँ मौजूद नहीं होते, या जानते होते हैं कि ये काम गलत है जिसकी मैं गवाही दे रहा हूँ, तो उनकी कैफियत क्या होगी। मेरे आका फरमाते हैं क़यामत के दिन जब वो आएंगे तो ये वो लोग होंगे कि जिनके गले और उनकी गुद्दियाँ जो है वो काटी हुई होंगी, बड़ी हैबतनाक शक्ल के अंदर आएंगे वो लोग, फ्रंट से भी उनके गले काटे होंगे, बैक से भी उनके जिस्म कटे हुए होंगे, और अजीब सी कैफियत के अंदर वो मुतिला होंगे, तो लोग उन्हें देख के डर जाएंगे कि ये कौन लोग हैं जो आ रहे हैं, अल्लाह जाने कितने हैबतनाक लोग, इनके गले भी सलामत नहीं हैं। तो उस वक्त एक फरिश्ता उन्हें बताएगा कि ये वो लोग हैं, ये यशदून अज़्ज़ूरा, जो झूठी गवाहियां देते थे, झूठे गवाह बनते थे अपने दुनियावी मफादात और बेनिफिट्स के लिए, अपने दुनियावी मामलात को सीधा करने के लिए ये झूठी गवाहियां देते थे, झूठी बातें करते थे और वहां जाके विटनेस शो जाते थे। तो आज इनका बदला ये है कि इनके गले, जिन गलों से इन्होंने गलत और झूठी गवाहियां दी थी, अल्फाज निकाले थे, आज वो गले काट दिए गए, आज भी उनकी गुदियां काट दी गईं, और उनको फिर जहन्नम की तरफ भेजा जाएगा कि जाओ जहन्नम तुम्हारा ठिकाना है, अल्लाह ने तुम्हें रोका था, अल्लाह ने तुम्हें मना किया था कभी झूठी गवाही नहीं देनी, क्योंकि रब्बे जुल्जलाल फरमाता वल्लज़ीन ला यशदून अज़्ज़ूरा, कि मुत्तकी लोग वो हैं जो कभी झूठे गवाह नहीं बनते, झूठी गवाहियां वो कभी नहीं देते। तो ये झूठी गवाहियां देते थे, आज उनको ये बदला मिल रहा है।